बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन इंसारी, आप देख रहे हैं लाहौर फूड। तो आज हम बनाएंगे बर्फ़ी, और बर्फ़ी होगी हमारी आटे की, यानी कि गंदम की बर्फ़ी आज बनाएंगे। शुरू करते हैं जी व्यूज। आटे की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने 1.5 कप यहां पे आटा ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। पमैश के लिए ये कप है मेरा, कोई भी आप घर में कटोरी है वो सेट कर सकते हैं, उसी से आप बनाएंगे। यानी कि 1.5 कप मैंने ये आटा लिया जो मैंने छान लिया, ये 1.25 कप जो है मेरे पास घी का है, घी से बर्फ़ी का जायका अच्छा होगा, तो ये 1.25 कप घी का उसके अंदर शामिल करेंगे। 1.25 कप ही मेरे पास ये चीनी है जो मैंने ग्राइंड कर लिया है वो है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पिस्ता लिया, गार्निश के लिए ऊपर डाला जाएगा। चांदी वर्क है मेरे पास, ऊपर ये भी लगाऊंगा मैं। और ये 1/2 कप मेरे पास ये नीडो दूध है, खुश्क दूध, ठीक है। ये इसका जायका काफ़ी अच्छा हो जाएगा इससे, यानी कि हमें खोया वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, ये खोए से भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा नीडो दूध। अगर आपके पास नीडो दूध नहीं है तो कोई और दूध भी आप खुश्क दूध वगैरह पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नीडो का जायका ज़्यादा होता है, ठीक है। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर मेरा ऑन जा रहा है, तो ऊपर रखेंगे अपनी प्यारी सी तेज की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आटा इसके अंदर मैं शामिल करूँगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसकी थोड़ी सी मैं बुनाई करूँगा, हल्का फ्लेम मैंने रखा हुआ है चूल्हे का, तो उसके बाद इसके अंदर घी शामिल करेंगे। आटे की हम अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे जी। चूल्हे का फ्लेम बहुत मैंने कम रखा है, हाफ से भी कम फ्लेम है चूल्हे का, क्योंकि आटे की जो है कच्चापन हम दूर करेंगे। इसी तरीके से साथ चमच में चलाता रहूँगा, तो आटा जब देखेंगे कच्चापन इसका दूर हो गया उस वक्त मैं इसमें घी शामिल करूँगा। तो इसी तरीके के साथ मैं चलाता जाऊँगा इसको, जैसे मैं देखूँगा कि आटा मेरा भुन चुका है तो फिर घी शामिल कर देंगे। ये बर्फ़ी मैंने आटे की है, लॉकडाउन में मैंने सीखी थी अपनी वाइफ से, तो उस वक्त घर में हम 3.5 महीने रहे, हमारा रेस्टोरेंट बंद था, तो आटे की उस वक्त मैंने अपनी वाइफ से सीखी थी। तो ये सारी जो रेसिपी हैं मैं अपनी वाइफ से सीखता हूँ अक्सर, ये मुझे पीछे बताती रहती हैं अक्सर। अब तो मैं काफ़ी यानी कि सीख चुका हूँ ये, तो आपके साथ भी मैं क्या शेयर कर लूँ ये मैं। तो ये आज आपके साथ ये रेसिपी आपकी नज़र है। आटा हमारा तकरीबन भुन चुका है जी, ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करेंगे ताकि इसका कलर ज़्यादा हमने चेंज नहीं करना, कलर हमारा यही होना चाहिए। लेकिन जिस वक्त हम हलवा वगैरह बनाते हैं, सूजी भूनते हैं, उसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है, उसी तरीके के साथ इसकी खुशबू आना शुरू हो गई। इस मौके पर मैं इसके अंदर घी शामिल करूँगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा सा मैंने घी यहाँ पर बचाया, ये इसके बाद में मैं डालूँगा, आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो इसी तरीके के साथ चम्मच को रोकेंगे नहीं। अच्छे तरीके के साथ चम्मच के साथ इसको ऐसे ऐसे आप दबाते रहेंगे साथ, ताकि अच्छे तरीके से घी के साथ भी बनाई हमारी हो सके आटे की, ठीक है जी। तो जो घी मैंने थोड़ा सा बचाया था वो भी मैं डाल दूंगा इसके अंदर, बिस्मिल्लाह। खुश्क दूध शामिल कर दूंगा जी, जो मेरे पास था ये, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये भी थोड़ा थोड़ा करके डालूंगा मैं, क्योंकि इस दूध के साथ ही जो खुश्क दूध है मेरे पास नीडो दूध, ये यानी कि हमारा ये जो है खोया उसका काम देगा हमें, और बहुत ही मज़े की हमारी बर्फ़ी बनने वाली है आज। तो इसी तरीके के साथ चम्मच को आपने ये देखना है, ऐसे ऐसे आपने चलाना है कि दबाना है चम्मच को नीचे की तरफ, ताकि अच्छे तरीके से आटे में ये जज़ब हो जाए। इसके बाद मैं चीनी शामिल कर दूंगा, जैसे ये हमारा दूध इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। चूल्हे का फ्लेम आपने याद रखना है कि बहुत ही, अब मैं 0 पे कर दिया मैंने, पहले तो आपसे थोड़ा सा कम था, बिल्कुल 0 पे कर दिया मैंने, क्योंकि हमने दूध को हमने सिर्फ मिक्स करना है, बाकी जो दूध मेरे पास रहेगा तो वो भी शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चूल्हे का फ्लेम आपने बहुत ही आस्ता
बहुत ही यानी कि ज़ीरो टेम्परेचर पे आपने रखना है ये। जिस वक्त इसमें खुश्क दूध आप पाउडर दूध इस्तेमाल करोगे बिल्कुल कम होना चाहिए। चीनी शामिल कर देंगे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे तरीके के साथ इसको मिक्स करेंगे। चूल्हे का फ्लेम बार बार मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही मैंने कम ज़ीरो पे, ज़ीरो टेम्परेचर पे है, और दबाते रहेंगे इसको। दबाने में से इसका ना घी निकलना शुरू होगा थोड़ा सा, जब थोड़ी सी नरम होगी समझे कि हमारा ये पर जो है रेडी हो चुका है। तकरीबन तैयार होने के करीब है जी हमारी बर्फ़ी, आटे की बर्फ़ी। तो घी मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा मैंने रोक लिया था, इसलिए रोका था मैंने, कोई घी ज़्यादा चिकनाहट वाला होता है कोई कम वाला होता है। तो हमें इसका जो है स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए, इतना नरम चाहिए जैसी आपके सामने ये मौजूद है जो आपको नज़र आ रही है। तो ये तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुकी है, किसी ट्रे के अंदर मैं निकाल लूँगा इसको। तो थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये जम जाए। तकरीबन यहाँ पे डन हो चुकी है, बटर पेपर मैंने लगा लिया, थोड़ा इसके ऊपर मैंने घी लगाया, तो इसके ऊपर निकाल लेंगे हम। ट्रे के अंदर निकाल लूँगा जी इसको मैं। और इसको फैला लेंगे, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा पिस्ता, आप बादाम वगैरह कोई भी चीज़ पे लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी शेप ऐसी आ चुकी है जैसे ये खोया, क्योंकि दूध जो हमने डाला है इसमें नीटो, ये उसकी वजह से खोए का काम कर रही है ये। पिस्ता डालेंगे, दस मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं जी। जी व्यू, ये 10 मिनट हो चुके हैं, तो मुझे ठंडी की है मैंने फ्रिज के अंदर, तो अब इसको काट लेंगे। ठंडी करनी है तकरीबन जम गई, बड़ा या छोटा साइज आप काट सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यू, डिश आउट करके दिखाते हैं आपको, एक पीस निकाल लेते हैं। देखें माशाल्लाह, बड़ी छोटी आप कर सकते हैं। तो डिश आउट करेंगे, जी व्यूज़ ये डिश आउट करके दिखा रहा हूँ आपको। माशाल्लाह बहुत ही जायके की बर्फ़ी बनी है, यकीन करें मैंने काटते हुए खाई है। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़े की होगी। जजमेंट नहीं हो सकती ये आटे की या किस चीज़ की है, ठीक है जी। जी व्यूज़, ये थी मेरी आज की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगे शेयर करें अपने दोस्तों, अजीज़ों और फैमिली मेम्बरों में, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यासीन निसारी को दें इजाज़त, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।